press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर में आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक ने अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा नाम निर्देशन पत्र में तथ्यों को छुपाने की शिकायत की। उसके बाद पाठक ने एक प्रेस वार्ता में जितेंद्र सिंह को करीब 400 बीघा का अतिक्रमणकारी बताया। अलवर राजघराने से जुड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है। नाम निर्देशन पत्र में दिए गए संपत्ति के ब्यौरों पर सवाल उठे हैं, साथ ही कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने के भी आरोप लगाए हैं आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक ने। अशोक पाठक अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी से मिले और उन्हें शिकायत दर्ज कराई। पाठक ने बताया कि भंवर जितेंद्र सिंह ने 2003 के विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी के तौर पर भरे नामांकन में कुशालगढ़ की 8 बीघा जमीन, जिस जमीन को उन्होंने अपना बताया, उसे महाराजा तेज सिंह 1972 में प्रकाशवती जैन को बेच चुके हैं। क्योंकि भंवर ने कब्जा नहीं छोड़ा, फिर 2009 में लोकसभा चुनाव में नाम निर्देशन पत्र में इसी जमीन को अपनी पत्नी अंबिका सिंह के नाम बताया गया था। पाठक ने जितेंद्र सिंह को करीब 400 बीघा जमीन का अतिक्रमी बताया। इतना ही नहीं, जितेंद्र सिंह पर स्टाम्प डिपार्टमेंट के करीब ब्याज लगाकर 35 करोड़ रुपए बकाया बताए। पाठक ने कहा कि जितेंद्र सिंह ने अपने नाम निर्देशन पत्र में इन तथ्यों को छुपाया, जिसकी शिकायत आज जिला निर्वाचन अधिकारी से की गई है। अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी श्री जितेंद्र सिंह ने जो अपना नामांकन दाखिल किया, उसमें उन्होंने संपत्ति के संबंध में मिथ्या सूचना जो अपने एफिडेविट में दर्ज कराया, और वो मिथ्या सूचना दर्ज कराने के साथ साथ उन्होंने अपने कई आपराधिक प्रकरणों को निर्वाचन विभाग से छुपाया है। इसको लेकर के मैं आज जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ और मैंने अपनी ओर से एक प्रार्थना पत्र दे करके सारे तथ्य और सबूत दे करके ये उनसे मांग की है कि चूँकि श्री जितेंद्र सिंह ने उन अपने नामांकन में कुशलगढ़ की 8 बीघा जमीन को अपनी पत्नी श्रीमती अंबिका सिंह के नाम बताया है, जबकि वह भूमि 1972 में श्री महाराज तेज सिंह इस भूमि को दिल्ली की निवासी श्रीमती प्रकाशवती जैन वगैरह को बेच चुके थे। जबकि ये जमीन बेच चुके तो फिर ये मालिक कैसे आई? चूँकि 2003 में भंवर जितेंद्र सिंह ने इस संपत्ति को स्वयं के नाम बताया था और 2009 से आज तक वो उसको अपनी पत्नी के नाम बता रहे हैं, जबकि 2006 से ये जमीन सरकार के कब्जे में है और इस जमीन पर सरकारी रिकॉर्ड में ये अतिक्रमणकारी घोषित हैं। तो जब ये अतिक्रमणकारी घोषित हैं तो फिर ये किस हक से इस संपत्ति को अपनी पत्नी के नाम बता रहे हैं? दूसरा मेरा विषय है कि इन्होंने जो इनके विरुद्ध लगभग 400 बीघा जमीन पर अतिक्रमण करने के पिछले 13 वर्ष में हजारों प्रकरण अलवर के राजस्व अदालत में पेंडिंग है और उसमें इनके विरुद्ध 50 गुना पेनल्टी और इनकी फसल को कुर्क करने तक के आदेश दिए गए हैं। इसके बावजूद इन्होंने अपने आपराधिक रिकॉर्ड में उस चीज़ को प्रस्तुत नहीं किया। चूंकि जब एक पार्षद या सरपंच यदि अतिक्रमण कर लेता है तो उसको तुरंत उस पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। एक आम किसान लगभग 400 बीघा जमीन इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया। और तीसरा एक विषय है कि इनके विरुद्ध स्टाम्प डिपार्टमेंट द्वारा लगभग 35 करोड़ रुपए इनकी तरफ बनते हैं और वो उनको वसूल करने के लिए स्टाम्प डिपार्टमेंट ने इनके विरुद्ध हाई कोर्ट में सब रजिस्ट्रार अलवर द्वारा 11351/2011 नाम से एक याचिका वहाँ प्रस्तुत की जो आज तक पेंडिंग है और स्टाम्प डिपार्टमेंट इनसे 35 करोड़ रुपये मांगता है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.